हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी की पापड़ी। तो ये पापड़ी को आप कोई भी चाट में या दही बड़े में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रेसिपी हैं जिनमें ये यूज़ किया जा सकता है। तो रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी की पापड़ी को बनाने के लिए हमें लेने होंगे एक बाउल सूजी और रिफाइंड ऑयल। पापड़ी को बनाने के लिए हम सबसे पहले सूजी को गूँथेंगे। उसके लिए एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और फिर उसमें सूजी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कप सूजी लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं। पहले हम इसे सूखा ही मिलाएंगे इस तरीके से। पापड़ी आटे और मैदे की भी बनते हैं, बट सूजी के पापड़ी बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनती है। ये तेल हमने मिला लिया है अच्छे से सूजी में। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं पानी को गुनगुना करके ही डालना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और सूजी को गूँथते जाएंगे। इसे सॉफ्ट गूँथना है, हार्ड नहीं गूँथना है, क्योंकि सूजी फूल लेगी तो वो खुद से हार्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सूजी को गूँथ कर तैयार कर लेंगे। अब ये गूँथ चुका है, ये देखिए अभी ये सॉफ्ट है। अब हम इसे 30 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और हार्ड हो जाए। अब 30 मिनट हो गए हैं, ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है और हार्ड भी हो गई है। अब हमें इसे मसल मसल कर चिकना करना है। ये देखिए इस तरह से हाथों से दबा दबा कर सूजी को चिकना करेंगे। हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह से सूजी को चिकना करेंगे। जितना ज़्यादा इसे मैश करेंगे उतना ही क्रिस्पी और क्रंची हमारी पापड़ी बनेगी। इस तरह से करने से सूजी हमारी चिकनी हो जाएगी, एकदम चिकनी आटे जैसी। ये देखिए मैंने सूजी को मसल मसल कर चिकना कर लिया है। तो अब ये रेडी है। अब हम इसे पापड़ी बनाएंगे। इसकी छोटी सी लोई लेंगे, ये देखिए एकदम छोटी सी लेनी है। अब इसे गोल करेंगे इस तरीके से। तो अब ये गोल हो चुकी है, अब हम इसे बेलेंगे। आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा बना सकते हैं। हमें इसे गोलगप्पे जितना पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही बेलना है कि ये क्रिस्पी बने। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें ये फोक लेनी है जो इजीली सबके घर पे अवेलेबल होती है, और इस पे निशान लगाना है ताकि ये फूले नहीं, इस तरीके से। ये देखिए अब इसी तरीके से हम दूसरी भी बना लेंगे और फोक का निशान लगा लेंगे। अब मैं पापड़ी बनाने का दूसरा तरीका बताती हूँ। उसके लिए हम बड़े आटे का लोई लेंगे और फिर इसे गोल करेंगे इस तरीके से। अब हम इसे बेलेंगे, ये देखिए इस तरह से, थोड़ी मोटी ही बेलना है। तो ये देखिए मैंने बेल लिया है। अब आप इसी टाइप की कोई भी ढक्कन ले लें, कुछ भी ले लीजिए ये साइज़ की। अब इसे ऐसे दबा कर गोल गोल काट लेंगे। इस तरीके से बनाना बहुत इजी होता है, ये देखिए। और अब फोक लेंगे और इसमें इस तरीके से सभी में निशान लगा लेंगे ताकि ये फूले नहीं। तो अब सब में फोक की निशान लग गई है। अब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसे निकाल लेंगे इस तरीके से, ये देखिए।
तो अब ये रेडी है, कितनी जल्दी से बन गई आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से बनाते हुए हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो आपको जो तरीका पसंद आया है आप उसी तरीके से बनाइए। ये देखिए मैंने सारी पापड़ी बना ली है, अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। अब गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और 5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल को हमें बस थोड़ा ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो अब ये हल्का सा गर्म हो गई है तो अब हम इसमें एक एक करके पापड़ी डाल लेते हैं। हाथ को बचाते हुए डालना है ध्यान से। हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची बने। अब इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसे पलट देते हैं और ये साइड से भी कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड से कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अब ये दोनों साइड से कलर चेंज हो गई है और आप देख सकते हैं क्रिस्पी भी हो गई है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब इसी तरीके से हम सारे पापड़ी को डीप फ्राई कर लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। आप इसे 15 से 20 दिन तक कंटेनर में करके स्टोर करके रख सकते हैं। पापड़ी क्रिस्पी ही रहेगी उतने टाइम तक। तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।